भले ही सपा ने कानपुर निकाय चुनाव के रण में अपने बड़े नेताओं को प्रचार में उतार दिया हो, लेकिन किदवई नगर विधानसभा से भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी ने मेयर पद पर भाजपा की जीत का दावा किया। एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सारा फोकस आपकी विधानसभा में क्यों आ गया? ऐसा है ना, इस विधानसभा सबसे सशक्त मानी जाती है। इसके पहले तो कांग्रेस के रूप में लोग इसको देखते थे, इस सीट को, लेकिन हम लोगों के आने के बाद भाजपा की सबसे मजबूत ये सीट मानी जाती है। तो लोगों का भाव ये रहता है कि यहाँ से कुछ वोट डिस्टर्ब हो तो हमको मिल जाएगा, लेकिन ये उनका अपना विचार हो सकता है। और हम तो ये कहते हैं ये कलयुग है, कलयुग में अगर हर आत्माओं को उन्नत करना है तो कर्मों की समीक्षा करना चाहिए। इसलिए चाहे अखिलेश जी आए, चाहे कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि योगी जी की जो तपस्या है और आदरणीय मोदी जी की जो तपस्या है उसको ये लोग नहीं पा सकते हैं। त्याग और बैराग को, और सर समाज की चिंता के लिए, गरीबों की चिंता के लिए, सबके उत्थान के लिए, सबको न्याय देने के लिए। आप राम मंदिर का निर्माण आप देख लीजिए, अयोध्या में भी हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं और वृंदावन मथुरा को भी निर्माण में ले रहे हैं। तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और सबको छत देने का काम कर रहे हैं, माफियाओं को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। किदवई नगर विधानसभा में इसलिए लगी हुई है क्योंकि ये विधानसभा डिसीजन ले सकती है, या ये कह सकते हैं कि महापौर पद के परिणाम का काफ़ी ज़्यादा असर यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अयोध्या में सपा ने मेयर पद के लिए आशीष पांडे दीपू को उम्मीदवार घोषित किया है। आशीष पांडे का कहना है कि अयोध्या की जनता भाजपा से बेहद नाराज है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विकास का जो वादा किया उसे जनता के चेहरे पर मुस्कान आई है, जबकि भाजपा का विकास आंसू ला रहा है। इंजीनियर डॉक्टर आशीष पांडे दीपू हमारे साथ है। आपको समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है अयोध्या, अगर हम कहें तो बीजेपी कहीं ना कहीं उसके सत्ता के केंद्र में हमेशा अयोध्या रहा है। हम लोग दिन रात 24 घंटे सभी नौजवान साथियों से मिल रहे हैं और जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो चुनौती तो जनता जनार्दन ने इतना आशीर्वाद दे रखा है कि चुनौती कहीं लगी नहीं रही है। 2017 में पहली बार नगर निगम बना, बीजेपी ने जीत हासिल की और अयोध्या कहीं ना कहीं अगर हम कहें चाहे मुख्यमंत्री हों, सरकार के मंत्री सब यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं क्या उन्होंने विकास किया उसकी बात करते हैं, अयोध्या को बदला उन्होंने उसकी बात करते हैं, जो कोर्ट का फैसला है उसके बाद मंदिर का निर्माण विश्व। ऐसे में आपको लग रहा है कि आप एक चैलेंज पेश कर पाएंगे, सामने रख पाएंगे बीजेपी कैंडिडेट के सामने? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी सन 2012 से, आप चलिए जब आप जो ये प्रश्न करें सन 2012 में आपको आना पड़ेगा। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त जो विकास उन्होंने किया था उस विकास से किसी की आंख में आंसू नहीं आए थे, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई थी, उसको विकास बोलते थे। वो आशीर्वाद स्वरूप मुझको वोट दे रहा, मैं मांगने नहीं जा रहा हूँ, वो खुद मुझे आकर के बता रहा कि भैया आपने मुझको फलाने तारीख को, जब मेरी बहन बीमार थी, मेरा भाई नहीं तैयार था तब आपने मुझे खून दिया था, मेरी माँ जब बीमार थी तो आप मुझे रात 2 बजे खून दिए थे, मुझे वो लोग बता रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें लोगों का जो इस तरह से सहयोग मिल रहा है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं लंबे 15 वर्षों तक उसके एक परिणाम के तौर पर देख रहे हैं। एपी गंगा कानपुर से बड़ी खबर है। कानपुर में डिंपल यादव ने मेयर प्रत्याशी के लिए प्रचार किया और डिंपल यादव ने मेयर वंदना वाजपेयी के लिए वोट मांगे। कानपुर में इस बार कमल नहीं खिलेगा ये उन्होंने कहा। सबसे मजबूत उम्मीदवार है वंदना वाजपेयी और भाजपा ने नगर निगम में कोई काम नहीं किया, भाजपा पर गंदगी और कूड़ा फैलाने का आरोप लगाया, सभी नगर निगमों में भाजपा की हार होगी, ये डिंपल यादव ने बात कही है। समाजवादी पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी है वंदना वाजपेयी, जिसके लिए डिंपल यादव ने प्रचार किया और वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बार कानपुर में कमल नहीं खिलने वाला है, सबसे मजबूत उम्मीदवार कानपुर में अगर कोई है तो वो है वंदना वाजपेयी, भाजपा ने नगर निगम में कोई काम नहीं किया और गंदगी कूड़ा फैलाने का भाजपा पर आरोप लगाया डिंपल यादव ने। डिंपल जी, आपने ईश्वर से वरदान मांगा, आशीर्वाद मांगा, क्या मांगा? हमने ये मांगा है कि जो सही है भगवान उसको विजयी बनाए और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी प्रत्याशी यहाँ से बहुत अच्छा काम करेंगी और बहुत मजबूती के साथ लड़ रही हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कानपुर के
प्रतिनिधि सब हमारी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। वाजपेयी की जीत कितनी बड़ी होगी आप देखेंगे, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है वंदना वाजपेयी जी और आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा। पूरे नगर निगम में कानपुर ऐसी सीट है जहां समाजवादी पार्टी वंदना वाजपेयी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, इसे भाजपा भी मान रही है। बहुत मजबूती से लड़ रही है और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कानपुर के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया है और जनता इस बात को समझ रही है कि मौजूदा सरकार जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जहां कानपुर पिछले 7 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है नगर निगम बने हुए कानपुर को और लगातार यहां से भाजपा जीतती आ रही है, लेकिन आप इस बार बड़ा फेरबदल देखेंगे। तो यात्रा आप लेकर निकली हैं बस में, जो रथ यात्रा है, इसका कितना फ़ायदा मिलेगा? मैंने जैसे पहले ही कहा है कि बहुत मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं कानपुर ज़िले को और आप देखेंगे इसका परिणाम। आज आप आई, कल अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं। जी धन्यवाद। अच्छा, भाजपा ने यहाँ 5 साल में और इससे पहले भी कुछ काम किया है कि नहीं नगर निगम? मैं समझती जितना काम होना था, जहाँ स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है कानपुर को, जहाँ मेट्रो सिटी का दर्जा मिला है, जहाँ समाजवादी पार्टी ने मेट्रो लाने की पूरी कोशिश करी है, यह सरकार ने काम आगे बढ़ाने की बिल्कुल निष्कर्षता दिखाई है। टोटली निष्क्रिय हैं ये लोग और ये नहीं चाहते हैं कि ये लोग काम करें। जहाँ जनता टैक्स दे रही है, जहाँ कानपुर की साफ़ सफाई का सवाल है, जहाँ यहाँ पे गड्ढों का सवाल है, जहाँ यहाँ पे गंदगी का सवाल है, जहाँ यहाँ पे आवारा पशुओं का सवाल है, तो बहुत सारे समस्याएं हैं जो जिन्हें जनता देख रही है और जूझ रही है और समझ रही है और आने वाले परिणाम मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी की जो हमारी प्रत्याशी है वंदना जी, इनको भरपूर लोग निकल के वोट डालेंगे और उन्हें बहुत ही भारी बहुमत से जिताएंगे। आपको फिर बता दें कि सपा सांसद डिंपल यादव आज कानपुर में हैं, अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार में लगातार वो उतरी हुई हैं। डिंपल यादव रोड शो के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करने में लगातार जुटी हैं और डिंपल यादव का रथ किदवई नगर चौराहे से शुरू होकर के जूही गौशाला साइड नंबर 1 होते हुए साकेत नगर से पॉपुलर धर्मकांटा की तरफ निकला और इस दौरान जगह जगह डिंपल यादव का जोरदार स्वागत भी किया गया। उनके साथ उनके रथ में सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, पार्टी के नेता जूही सिंह, मछली शहर से सपा विधायक रागिनी सोनकर समेत कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ता जगह जगह पर उनका फूल वर्षा करके स्वागत करते हुए दिखाई दिए। डिंपल उनका अभिवादन हाथ जोड़कर कर रही थी। इसका जायजा लिया एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने, आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव आज कानपुर की सड़क पर अपने प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटा रही हैं और किदवई नगर से ये काफिला चला है, रथ पर सवार हुई हैं अपने प्रत्याशी के लिए। देखिए आपको तस्वीरें दिखाएं, ये रुक रुक कर ऐसा स्वागत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। जैसे अखिलेश यादव जब रोड शो करते हैं तो इसी तरीके से रथ पर सवार होकर निकलते हैं, तो ऐसे ही स्वागत किया जाता है। जगह जगह पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के लिए इस तरह की कार्यक्रम किए हैं और ये काफिला किदवई नगर चौराहे से शुरू हुआ और मंदिर में, हनुमान मंदिर में पूजा करने के बाद जूही गौशाला होते हुए अब साकेत नगर की तरफ बढ़ रहा है। किदवई नगर थाने से जूही क्या आगे जाएगा और पॉपुलर धर्मकांटा होते हुए फिर चावला मार्केट और तमाम चौराहों से होते हुए जाएगा। आपको रथ दिखाएं, फूलों की बारिश की जा रही है रथ पर और जूही सिंह जो प्रवक्ता हैं वो बैठी हैं और अभिवादन स्वीकार कर रही हैं डिंपल यादव। देखिए डिंपल यादव हैं और वंदना वाजपेयी जो प्रत्याशी हैं, नसीम सोलंकी हैं जो इरफान की पत्नी है और हाथ हिला करके अभिवादन स्वीकार कर रही हैं और ये रथ आज कानपुर की सड़क पर ऐसे ही घूम रहा है और पीछे ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अमिताभ वाजपेयी को हम दिखाएं आपको कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पैदल निकल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं कैंट से मोहम्मद हसन रूमी भी हमको दिख रहे हैं। कुछ इस तरह से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आज बाहर निकले हैं और फूलों की बारिश की जा रही है रथ पर और ये काफिला लगातार निकल रहा है। 13 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और एक कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने टॉप लीडर्स को कानपुर में उतार करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निकाय चुनाव प्रचार के तहत मेरठ पहुंचे जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मेरठ मेयर पद के लिए सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के पक्ष में माहौल बनाने को निकाले गए अखिलेश यादव के रोड शो में भारी तादाद में लोग उमड़े। कई जगहों पर पुष्प वर्षा भी अखिलेश यादव पर की गई। अखिलेश को देखने के लिए सैकड़ों लोग अपने घरों की छतों पर खड़े हुए दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान सपा में जारी कला फिर सामने दिखी। सपा विधायक हाजी रफीक अंसारी, विधायक शाहिद मंजूर का अखिलेश के रथ पर ना होना चर्चा का विषय बना हुआ है।
मुस्लिम इलाकों में निकाले इस रोड शो को बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बिखराव रोकना अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त है। और मौके से जायजा लिया के हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने आपको दिखाते हैं। मेरठ के महासंग्राम में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी मजबूत ताल ठोक दी है। यहाँ महापौर प्रत्याशी सीमा प्रधान के पक्ष में अखिलेश यादव रोड शो करने आए हैं और रोड शो की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के सिपाही, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस उत्साह के साथ यहाँ नजर आ रहे हैं। छतों से फूलों की वर्षा की जा रही है और हाथ में समाजवादी पार्टी के झंडे लेकर समाजवादी पार्टी के सिपाही इस उम्मीद में निकल पड़े हैं कि इस बार मेरठ में बदलाव होकर रहेगा और समाजवादी पार्टी की साइकिल बहुत स्पीड से दौड़ते हुए नगर निगम पहुंच जाएगी। इसी मकसद को लेकर और समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए खुद यहां पर अखिलेश यादव को आना पड़ा और मोर्चा संभालना पड़ा। देखिए अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान और जो महापौर की प्रत्याशी हैं सीमा प्रधान, वो भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो रोड शो हो रहा है, अखिलेश यादव का किस तरीके से यहाँ पर जो जोरदार स्वागत किया जा रहा है। घरों की छतों पर लोग इस इंतजार में घंटों से बैठे थे कि जब अखिलेश यादव यहाँ पर आएंगे तो अखिलेश यादव का जो जोरदार स्वागत है वो यहाँ पर किया जाएगा। देखिए सुरक्षा के भी बेहतर और पुख्ता इंतजाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अखिलेश यादव ने मेरठ में ताल ठोक कर कहीं ना कहीं बीजेपी और बीएसपी की टेंशन बढ़ाने का काम किया है। और जिस तरीके से पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी कि अखिलेश यादव जब रोड शो करेंगे तो कहीं ना कहीं सियासी हवा भी बदलेगी और इस सियासी हवा के जो मायने हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे। अब अखिलेश यादव का ये रोड शो कितना समाजवादी पार्टी के चुनाव को मजबूती प्रदान करेगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। यहाँ पर जो अखिलेश यादव ने ये जो मजबूत ताकत यहाँ पर झोंकने का काम किया है, आखिर अखिलेश यादव का आना, यहाँ रोड शो करना आखिर समाजवादी पार्टी की हवा कितना बदल पाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरठ का जो महापौर सीट का चुनाव है वो हर रोज़ दिलचस्प होता जा रहा है और इस दिलचस्पी के बीच जो चुनावी नतीजे आएंगे वो कैसे होंगे इस पर सबकी नज़रें टिकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। पूरी समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव के अंतिम फेज के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कानपुर में शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया और निकाय चुनाव में जीत का दावा भी किया। शिवपाल यादव हमारे साथ हैं। शिवपाल जी, आप लगातार कानपुर देहात के रूरा में रोड शो किया, कानपुर में रोड शो कर रहे हैं, डिंपल यादव रोड शो कर रही हैं। जो समाजवादी पार्टी है वो लगातार नगर निगम और निकाय चुनाव में अपना दबाव बनाए हुए है, विपक्ष में रहने के बावजूद भी क्या वो मजबूती से लड़ रही इन सारे चुनाव को? देखिए समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करने जा रही है। और हमारे सभी वर्कर लगे हुए हैं इस चुनाव में, हम लोग भी दौरा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं इनके विभागों में तो उनके पास कोई काम है नहीं है, पूरा देखा ही है अपने, बजट वापस कर देते हैं और विभागों में चल नहीं रही, ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ कर नहीं सकते, कार्रवाई कर नहीं सकते हैं, तो केवल अब जा रहे हैं जनता के बीच में और फिर क्या कहते हैं। मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, अधिकारियों से कहते हैं कि भाई चुनाव जिताओ, तो भाई अधिकारी चुनाव जिता रहे हैं क्या इनको? तो देखिए कोशिश तो है उनकी बेईमानी के, लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी के जो भी वर्कर हैं वो जनता सीधे जनता चुनाव लड़ती है और जनता जब चुनाव लड़ती है ना तब किसी की फिर बेईमानों की हैसियत नहीं होती है ना। आप इशारा मैनपुरी से कर रहे हैं? मैनपुरी से भी कर रहे अब यहाँ स्थानीय निकाय में देख लेना। अच्छा, कानपुर में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है मेयर का? हाँ, वो हमारी पार्टी का विधायक हैं, हम लोगों का तो बेटा समान है और बहुत चुनाव लड़ रही है वहाँ पर भी, जैसा मैनपुरी में बहू लड़ी थी है। आपने भी कुछ ऐसी बातें कही थी नेताजी के न रहने के बाद हैं, लेकिन मैनपुरी की जनता ने पूरे रिकॉर्ड से जीत करा दी
इतना ना आपने सोचा था, इतना तो खैर हमने भी नहीं सोचा था, लेकिन हम जानते थे जीतेंगे। क्या कहा था हमने? कुछ कहा था मुझे याद नहीं है अब, चलिए आज समय नहीं है, समय फिर बैठेंगे तब बातें करेंगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बहू चुनाव लड़ रही है यहाँ पर, तो बहू के लिए जब ससुर उतरते हैं तो कुछ इतिहास ही रचते हैं। जीत होगी, बड़ी जीत होगी और बीजेपी हारेगी। ये जो आपका कॉन्फिडेंस है ये कहाँ से आ रहा है? जनता के बीच में रहते हैं, जनता से आता है, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। देखिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, कितना काम किया है एक्सप्रेस वे से लेकर के, सड़कों से लेकर के, रिवर फ्रंट से लेकर के, कितना काम किया है, नहरों में कितना काम किया था, कितने बुंदेलखंड में आज पानी की कमी नहीं है, कितने ट्यूबवेल किसानों के लिए, किसानों को कोई दिक्कत भी नहीं होने दी थी। और भारतीय जनता पार्टी में आप ही बता दो इन 6 सालों में एक काम बता दो इनका, नया काम भारतीय जनता पार्टी का, एक काम बता दो तो जनता ही बताए। देखिए केवल परेशानियां दी हैं, भ्रष्टाचार कितना है, थानों में चले जाओ, तहसीलों में चले जाओ, नीचे से लेकर के ऊपर शिकायत करते करते परेशान हो जाओगे। हम लोगों की सरकार थी तो हमारा पूछ लेना, हमारा जिला अध्यक्ष, हमारा विधानसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष ही बहुत था, इनके तो मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे, मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे इनके, चल ही नहीं रही। इसका असर निकाय चुनाव में भी देखिए, पूरी जनता परेशानी है। देखिए इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, महंगाई को बढ़ावा दिया, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है, और लॉ एंड ऑर्डर नाम की तो कोई चीज़ बची नहीं। जब पुलिस संरक्षण में मारे जा रहे लोग हैं, मारे जा रहे हैं लोग, तो कैसे बता। शिवपाल यादव रोड शो करते हुए कानपुर में, और काफी आत्मविश्वास के साथ उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी कानपुर में ही नहीं बल्कि निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।